हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ब्यूटिशियन ज्योत्सना और वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड ऑल हैंडसम फ्रेंड्स। ओके, ये मेरा वीडियो जेंट्स लोग के लिए भी है, बॉयज लोग के लिए भी है, जो धूप में जाते हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, उनके लिए है ये वीडियो। तो गाइस, आप पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो बना रही हूँ मैं, तो आप ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। और ये है मेरे पास लैक्टो टैन क्लियर नेचर्स का है, इससे आपका पूरा स्किन का टैनिंग पूरा निकल जाएगा और आपकी स्किन बहुत हेल्दी ग्रोइंग और अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। टैनिंग का प्रॉब्लम आजकल हर किसी को है, टैनिंग प्रॉब्लम आजकल हर किसी को है, क्योंकि मॉर्निंग में 10 बजे जो 9 बजे धूप निकलती है ना, वो धूप एकदम कड़क लगती है फेस पे और वो धूप स्किन के लिए अच्छी नहीं रहती है। तो सब लोग मॉर्निंग में जब फेस क्लीन हो जाता है तो सारा अपने पोर्स ओपन रहते हैं ना फेस के, तो सारा धूप का सीधा रेस पूरा अंदर जाता है। तो गाइस, उसकी वजह से हमारे स्किन को बहुत ब्लैकिश टैनिंग हो जाती है स्किन धूप की वजह से। तो गाइस, इसलिए ये आप इसको यूज़ करेंगे ना डेली, तो आपका चेहरा एकदम अच्छा, एकदम क्लीन और साफ हो जाएगा। और गाइस, डेली ना यूज़ करो ना तो भी आप हफ्ते में 2 बार या रात को 1 बार लगा के सो जाओगे ना, मॉर्निंग में आपकी त्वचा एकदम खिली खिली और बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जो जिसने भी ये यूज़ किया है उनकी त्वचा एकदम, स्किन एकदम फेयर और अच्छी रहती है, टैनिंग का कोई असर नहीं होता। इसमें सन टैन रिमूवल क्रीम है विथ एक्ने और ये सब भी उसमें से क्योर हो जाएगा आपका, इससे जो भी स्पॉट्स रहेंगे ब्लैक ब्लैक कलर के वो भी क्योर हो जाएंगे। और ये ना गाइस बहुत अच्छा, बहुत ये है और अफोर्डेबल प्राइस है इसकी, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 175 का है कुछ। तो ये ना आपको बहुत दिन चलेगा, आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ इसको। ये इस तरह से पैकिंग में आता है और देखिए पूरा इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, स्मूथ क्रीमी, बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। आपको फेस पे लगाएंगे ना आपको एकदम थोड़ा भी ड्राइनेस नहीं लगेगा और एकदम स्मूथ फीलिंग आएगी। तो इस तरह से लेना है, देखिए मैंने लिया है इस तरह से। अब मैं इसको अप्लाई करूंगी पूरे फेस पे, आंखों के नीचे जो कालापन रहता है, झाइयां रहती है, वो सब इससे अच्छा हो जाता है। तो गाइस, इस तरह से बहुत स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है इसका और देखिए एकदम फेस कितना स्मूथ और अच्छा लग रहा है मुझे लगाने से ही। फिल्म और इसका स्मेल, माय बहुत अच्छा स्मेल है, बहुत अच्छा फ्लावरी स्मेल है इसका, बहुत अच्छा स्मेल है गाइस। और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है, बहुत लाइट वेट है पूरा, देखिए पूरी तरह एब्सॉर्ब हो जाता है स्किन पे और पूरा लाइट वेट है पूरा, आपको लगता ही नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई किया है स्किन पे। तो गाइस एक बार और देख लीजिए, और इसका एक खासियत ये है कि पूरा फुल भरा हुआ आता है, नहीं तो हर एक डिब्बे खोलते हैं ना हम तो उसमें आधा ही रहता है, वेस्ट ऑफ प्लास्टिक वो लोग करते हैं, अंदर आधा ही रहता है। पर इसका ये बात बड़ी बहुत अच्छी है कि पूरा फुल भरा हुआ आता है। और ये आपने रात को या दिन में, आप कभी भी लगा सकते हो, आप मॉर्निंग में जब जाते हो ऑफिस या कहीं भी बाजार वगैरह जाना है आप, तो आप इसको मॉर्निंग में भी लगा सकते हो और रात को सोते वक्त भी लगा सकते हो, पर दिन में एक ही बार अप्लाई करना है गाइस। टैनिंग तो
एक ही बार में साफ हो जाता है और बहुत फटाफट ये काम करता है। तो गाइस, ये मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया है, जो आप इसको आपके यहाँ ये मिलता है कि नहीं आप देख लीजिएगा। नेचर्स के प्रोडक्ट, नेचर्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं और नेचर्स के प्रोडक्ट सब दूर मिलते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे में ही मिलेंगे, नेचर्स के प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप कुछ भी चीज़ मंगाओगे तो आपको अच्छा पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं भी मार्केट में, आपको इजीली ऑनलाइन घर पे आ जाएगा आपका। तो गाइस, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये टैनिंग वाला वीडियो आपको जल्दी से गोरा गोरा बना देगा, आपकी स्किन को ज़रा भी डैमेज नहीं करेगा और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और अच्छी हो जाएगी ये प्रोडक्ट यूज़ करने से। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और इस तरह से मैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के रिव्यू आपको देती रहूँगी जो जो मुझे पता है, क्योंकि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है पार्लर का गाइस, 20-22 साल हो गए हैं। और देखिए, तो उस तरह से मुझे ये, मैं जो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ये वाला यूज़ करके देखिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा और आपका टैनिंग गया कि नहीं। गाइस देखिए, इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जो भी अप्लाई करना है, पर ये बेस में आपने इसको यूज़ करना है। और आप 8 दिन यूज़ करोगे ना गाइस, तो आपकी देखिए स्किन एकदम, एक भी डार्क स्पॉट नहीं रहेगा फेस पे और टैनिंग पूरा चला जाएगा। तो गाइस, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूं। और फ्रेंड्स, और बाकी क्या चल रहा है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया रिव्यू का प्रोडक्ट के रिव्यू का प्रोडक्ट का क्या बोल रही हूँ। तो ये हो गया प्रोडक्ट का रिव्यू, और अब हम आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओके। तो गाइस, और क्या चल रहा है, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ना स्किन के बारे में, मैं मेरे हैंडसम बॉयज़ और जेंट्स के साथ भी मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग भी, जेंट्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा पार्लर है लेडीज़ ओनली फॉर लेडीज़, पर बहुत सारे लेडीज़ के जो हस्बैंड लोग रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, वो भी मेरे पास आते हैं अपना क्वेरीज लेके। तो कभी कभी ना उनको स्किन बहुत काली पड़ जाती है बॉयज़ लोग की, क्योंकि वो लोग कभी कभी शेविंग करवाते हैं सलून में जाके, सलून का प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है। और बहुत से बॉयज़ को आदत रहती है ना लींबू किसी में भी लगा के, ना लींबू डाल के और फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है लींबू लगा के फेस गोरा हो जाएगा। तो गाइज, आपको लाइम बिल्कुल फेस के लिए यूज़ नहीं करना है, लाइम एसिटिक है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि लाइम फेस पे अप्लाई करने से स्किन काली पड़ जाती है, तो गाइज लाइम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है स्किन पे। और कल एक क्लाइंट आई थी, मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल एक क्लाइंट आई थी, उसने है ना गाइस चने का आटा लगाया पूरे फेस पे, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होगी शायद, और ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, एज वालों की स्किन तो, अब मेरा तो एज है, मेरी स्किन में कुछ भी अप्लाई करो तो चल जाएगा, पर जो यंग स्किन रहती है उन्होंने बहुत सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए, स्किन बहुत डेलिकेट रहती है, आप लोग की स्किन बेबी स्किन रहती है। तो उसने क्या किया, चने का आटा, और उसमें पता नहीं उसने क्या अप्लाई किया, मुझे सिर्फ उसने बोला चने का आटा डाल अप्लाई किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने हल्दी और शायद एलोवेरा और शायद ये लींबू, मुझे ऐसा लगता है उसने लींबू डाला था, तो उसकी वजह से ना उसका यहाँ पे ना गाइस पूरा पूरा रिंकल्स आ गए। मेरा तो एज की वजह से रिंकल्स है, पर उसको इतना रिंकल्स आ गया गाइस, और ना पूरा चमड़ी एकदम से ऐसा जला हुआ जैसा लग हुआ। तो मेरे पास आई और मुझे बोलती है कि मैं क्या करूँ इसका। अब मेरे पास सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन था कि आप आइस अप्लाई करो, थोड़े दिन में वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, और इसके ऊपर आप सोप वगैरह कुछ भी मत लगाओ। अब उसको सोप वगैरह अवॉइड करो लगाना। और मैंने एक, मेरे पास आई मास्क था तो मैंने उसको दिया, मैंने बोला ये आई मास्क आप डेली फ्रिज में रख के
लगाया करो ताकि वो पूरा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और वो जल्दी से अच्छा हो जाएगा। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत आती रहती है, तो जो भी आप ना घर पे कुछ भी, कभी कभी क्या होता है इंटरनेट से सब देखते हैं कि ये अप्लाई करो वो अप्लाई करो, पर गाइस देख देख के वही चीज़ अप्लाई मत कीजिए। थोड़ा सा पहले आप उसके बारे में इंक्वायरी कीजिए और उसके बाद वो चीज़ अप्लाई कीजिए, क्योंकि ना अब हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं ना तो उसका साइड इफेक्ट रहता है। तो गाइस पर ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और ये बहुत चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, टैनिंग पूरा चला जाता है इससे। तो आप ये यूज़ कर सकते हो बिल्कुल बिंदास होके, बिल्कुल नॉर्मल स्किन के लिए भी चलेगा, ऑयली स्किन के लिए भी चलेगा और ड्राई स्किन के लिए भी चलेगा। तो ये आप बिंदास यूज़ कर सकते हो। पर ये तो मेरे थे बाकी के एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो गाइज बस आज के वीडियो में इतना ही, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो ना गाइज तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकाल के बताऊंगी। अगर मुझे पता है तो भी बताऊंगी, नहीं पता है तो भी मैं सर्च करूंगी सारा और आपको बताऊंगी। तो गाइज चलिए अब मैं निकल रही थी पार्लर के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज लाइक जरूर से कीजिए मेरे वीडियोस को ताकि आपको ऐसी अलग अलग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइज़।